माय चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है गंगा राना 7456। जो मेरे चैनल पर नए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वहाँ बेल आइकन का बटन दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आएगा सबसे पहले आपके पास ही आएगा। ये है कृष्ण जी के मेकअप के पहले का फेस, और इसके बाद देखिए ये मैंने लगाई है मॉइस्चराइजर। पहले CTM करते हैं फेस को। फेस CTM का मतलब होता है सी मीन्स क्लींजर, क्लीन करना रहता है। एम का मतलब मॉइस्चर और टी का मतलब टोनर। पहले ये टोनर करने के पहले कर लिया था मैंने, उसके बाद में मैंने लगाया हल्का मॉइस्चर, उसके बाद में लगाया ये प्राइमर लगाया था। प्राइमर के बाद लगाया मैंने ये सीरम, फेस सीरम, क्योंकि सर्दियाँ थी तो स्किन ड्राई हो जाती है बेसिस लगाने पर, जो ड्राई ना दिखे, थोड़ा सा ग्लोसी दिखे, इसलिए सीरम लगाना बहुत ज़रूरी पड़ता है रहता है सर्दियों के टाइम पे। अब ये मैंने लगाया है मैंने ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर, जहाँ जहाँ डार्क सर्कल जैसे आइज़ के नीचे लिप्स के किनारे ये लगाया है, और इसको ब्लेंडर से मिक्स कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है। और इसके बाद मैंने लगाया इनके स्किन टोन से एक नंबर कम कंसीलर, क्रीम कंसीलर बोलते हैं जैसे FS 28 बोलेंगे वो है, ये लगाया। और इसको लगाने के बाद फिर ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स कर दिया। जैसे ब्लेंडर करते हैं ना तो अच्छे से किया करें, क्रीम बिल्कुल एक जैसा हो जाए, मतलब कोई रह ना जाए। जब सही से नहीं मिल पाता तो बाद में मेकअप पेची पेची सा हो जाता है। और ये मैंने लगाया इनका स्किन से दो टोन फेयर फाउंडेशन, इसको भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से क्लीन कर दी, क्लीन नहीं मिला दिया है। ब्यूटी ब्लेंडर को पानी से गीला करने से ब्लेंड करने पर फाउंडेशन में चेहरे पर जो फाउंडेशन लगता है उसमें कमी नहीं होती, क्योंकि गीला ब्लेंडर सूखता नहीं है फाउंडेशन को, जो सूखा होता है तो वो फाउंडेशन को सोख लेता है, इसलिए हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके ही ब्लेंड करना चाहिए। जो भी ये इसका पूरा लगाने के बाद फिर मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। इसके बाद मैंने लगाया ट्रांसलूजन पाउडर। ट्रांसलूजन पाउडर जो हम लोग फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं उसको पैक करने के लिए लगाते हैं, और सर्दियों के टाइम कम लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन पैक करने के लिए थोड़ा लगाएं, ज़्यादा भर भर के ना लगाएं लेकिन लगाएं, और इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर दें। मिला दिया मैंने, मिलाने के बाद फिर मैंने इनको लगाया, फिक्स कर दिया था मेकअप फिक्सर से डाल के फिक्स कर दिया था। और इसके बाद में फिर मैंने ये कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दिया आइज़ के नीचे पूरा एक जैसा। ये देखिए मैंने फिक्स कर दिया, मेकअप फिक्सर चलाया, थोड़ा सा सुखाया। सुखाने के बाद फिर दो मिनट रुके, दो मिनट रुकने के बाद फिर मैंने इनका शुरू किया आइज़ का मेकअप। देखिए हाँ, मेकअप करने आइज़ का मेकअप करने के पहले फिक्स फिर से एक बार कॉम्पैक्ट पाउडर फेयर कलर का, जो इनकी स्किन टोन है उससे वन नंबर फेयर कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर एक बार फिर से सही से सेट कर दें। ये सेट कर दिया, इसके बाद मैंने ये कंटूरिंग किया चीक बोन, जॉ लाइन एंड नोज़, ये तीन जगह कंटूरिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो पार्ट्स उभरे हुए होते हैं उनको दबाने के लिए, जैसे चीक बोन उभरी होती है और नोज़
थोड़ी मोटी पतली करने के लिए, और जो जॉ लाइन है उसमें जैसे शेप देने के लिए, और थोड़ा सा जिसका फॉरहेड बड़ा होता है तो उसको छोटा दिखाने के लिए फॉरहेड पे करते हैं। लिप्स में भी थोड़ा सा किया क्योंकि लिप्स में शेप अच्छे से दिखे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट किया करें कैसी लगी वीडियो। ये मैंने देखा आईब्रोज को मैंने पहले मस्कारा जैसा ब्रश होता है उससे पहले सेट किया, उसके बाद में फिर मैंने ये ब्लैक कलर का लाइनर जेल जेल लाइनर देकर इनकी आईब्रो बनाई। कृष्ण जी का है तो ज़्यादा डार्क आईब्रो ही चलेगी, और जैसे रियल मेकअप करते हैं ये शादी ब्याह में लड़कियाँ जाती हैं पार्टी वार्टी में, तो उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर ही चलाया करें लगाया करें। ये देखिए मैंने बहुत ब्लैक लिया था जेल लाइनर, तो इनकी अलग ही ब्लैक दिख रही है। मैंने ये कंसीलर की लाइन चला दी क्योंकि इनकी आईब्रो बनी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइन लिक्विड लाइन सॉरी लिक्विड कंसीलर लगा के इनकी जो एक्स्ट्रा आईब्रो दिख रहे थे बाल आईब्रो में उसको कवर कर दिया। देखिए छोटा सा ब्लेंडर है उसी से आईज में कंसीलर पैक कर लिया, और इसके बाद में अभी मैंने लगाया ब्राउन कलर का आई शेडो जिससे कि आईज का शेप दिखने लगे, छोटी बड़ी जैसे दिखानी, तो इससे ब्राउन कलर के आई शेडो से शेप दिखाने के लिए ऊपर लगाया जाता है। ये देखिए देखिए दूर से बिल्कुल आई शेप में दिखने लगी, आप लोग देख रहे होंगे। अभी मैंने ये लगाया लिक्विड कंसीलर, लिक्विड कंसीलर से जो आईज इसकी उभरा उभारने के लिए जो आईज पलक के ऊपर जो आईज की वो ये देखिए इसको उभारने के लिए मैंने लगाया, मुझे बोलना नहीं आ रहा क्या कहते हैं इसको। देखिए दूर से ये आईज कितनी बड़ी बड़ी दिखने लगी इनकी बंद करने पर। ये मैंने फिर हाईलाइट किया आईब्रो बोन पर, मैंने लिया ब्लैक कलर थोड़ा सा उसमें ब्लैक कलर से बताते जा रहे हैं क्योंकि जल्दी चल रही है वीडियो तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बताते जा रहे हैं क्या क्या। ये देखिए ये ब्लैक कलर का चल रहा है, ब्लैक कलर का आई शेडो थोड़ा सा आईब्रो भी डिफाइन करते जा रहे थे और आईज में आई शेडो भी लगाते जा रहे थे थोड़े थोड़ा। ये देखिए मैंने लगाया ये ब्लैक लाइनर जेल जेल लाइनर से मैंने इनका लाइनर लगाया। जेल लाइनर लगाने से ये होता है जो हम लोग आई लैश लग चिपकाते हैं तो अच्छे से चिपक जाती है, और जो लिक्विड लाइनर होता है वाटर प्रूफ वाला ऊपर से लगाने के बाद जैसे सूखने पर कभी कभी चटक जाता है तो जो नीचे वाइटनेस दिखती है वो नहीं दिखती है ब्लैक लाइनर जेल से लगाने से। थोड़ा कहीं अगर ज़्यादा लगे तो आप हाथ में भी पहुँच कर फिर लिया करें, जैसे कभी कभी ज़्यादा आ जाता है ब्रश में तो एक्स्ट्रा तो उसको हाथ पर लगा दें, या फिर उसको उससे दोबारा भी ले सकते हैं लगाने के लिए। देखिए मैंने इनको उसी से ही काजल लगाया, फिर इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही थी।
ये जब भी एक देवउठान एकादशी आती है तो ये हमेशा कृष्ण बनती है और इसकी छोटी बहन राधा बनती है। उसका भी मेकअप है, आप लोग देखिएगा आगे, और वीडियो को पूरा देखिए, आगे तक बने रहिए वीडियो में। ये है बड़ी दीदी है, और वो जो राधा बनी वो छोटी है, वो देखो उधर घूम रही है, ये निकली। अभी ये भी तैयार होंगी, इनका भी देखिए आप लोग, आगे भी इनका है, अभी इनका आईज मेकअप चल रहा है, ब्लशर लगाया, ब्लशर में ये पहले दिया है, मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको कुछ है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ये हाईलाइट, हाईलाइट करने के बाद हाईलाइट कहाँ कहाँ करते हैं, चीक्स बोन पर, नोज पर एंड चिन पर, ये देखिए। अब इनको लगाई जाएगी आईलैश, ये व्हाइट लाइनर जेल, व्हाइट जेल लाइनर है। इनको आँख थोड़ी सी बड़ी दिखने लगती है लाइन व्हाइट लाइनर जेल से, ये देखिए। मेकअप अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए। और फिर इसके बाद मैंने इनका बनाया तिलक, कृष्ण जी का तिलक, जो जो तिलक लगाते हैं वही सामान ढूंढते ढूंढते मुझे मिलता नहीं है तो थोड़ी देर हो जाती है। अब ये मिल गया, मैंने लिपस्टिक से इनका तिलक लगाया, जो ये पिन होता है ये पिन से पहले मैंने शेप दिया, उसके बाद में फिर ये फुल लाइन से मैंने तिलक बना दिया, ये देखिए पूरा हो गया कंप्लीट। लिपस्टिक भी लग गई इनको, अभी ये इन पहनाया जा रहा है इनका मोर पंख वाला मुकुट, ये देखिए कैसा लगा बताइए। अब आता है राधा का मेकअप स्टार्ट, ये देखो बन गई राधा, बैठ गई हैं, बाल कहीं हार कर रही हैं, आप लोग अभी हार करिए। ये मैंने किया इनका क्लीन, फेस क्लीन, ये देखिए कहीं 7 बज गए हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ये लोग आ गए थे, इनको 9 बजे पहुँच निकलना था। ये जो बड़े वो जो राधा कृष्ण बनी है ये तो सुबह 6 बजे के पहले आ गई थी, और इसके जब इनका आधा हुआ था तभी ये आई थी। वो बड़ी बहन है, ये छोटी है, दोनों ही बहनें देवउठान एकादशी जब आती है तो दोनों को कृष्ण बन राधा और कृष्ण बनते हैं जोड़ी इनके, अब क्योंकि 3-4 साल से लोग बराबर मेरे पास आ रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट ईयर कौन, क्योंकि अब इसकी जो बड़ी वाली है उसकी एंगेजमेंट हो गई, अब शादी भी इसकी, तो नेक्स्ट ईयर पता नहीं कौन कृष्ण बनेगा कौन राधा, देखते हैं जो भी होगा सब आगे बताया जाएगा आपको। मेरे कि अभी हेयर स्टाइल के लिए ये आ गई है मेरी हेल्पर, इनकी हेयर स्टाइल होगी। ये मैंने इनको किया प्राइमर लगाया, प्राइमर लगाने के बाद फिर मैंने इनको लगाया ये, इनको लगाया ये बेस, आधा हो गया था क्योंकि कृष्ण जी का मैंने दिखाया था इसलिए मैंने इनको स्किप कर करके दिखा रहे हैं थोड़ा, ये देखिए। फिर मैंने इनको लगाया फाउंडेशन फेयर कलर का, फाउंडेशन भी इनका है, मतलब कंपनी के अलग अलग नंबर होते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग जैसे अगर 2 नंबर का फाउंडेशन लगाते हैं फिर स्किन के हिसाब से, तो 2 ही नंबर का कॉम्पैक्ट पाउडर और 2 ही नंबर का मतलब कंसीलर, थोड़ा 1 नंबर कम होता है जो लिक्विड लाइनर होता है लिक्विड वाला, वो थोड़ा वाइड 2 ही नंबर का लें। ये देखिए मैंने 2 ही नंबर का लिक्विड लिया और ये आईज भी लगाया, लिक्विड लगा मतलब
लिक्विड या वाइट बेस लगाने से आई में जो हम लोग आईज का मेकअप करते हैं तो वो दिखाई देता है प्रॉपर, वीडियो पॉज कर करके फिर चालू करके कि मेकअप करवा रही थी तो मैं भूल जाती था कभी कभी, तो इसलिए इसमें उसको अपने उसमें भी डालना था, अपने भी उसकी उसका भी चैनल है यूट्यूब में, तो ये अपना भी कहती मैं भी वीडियो डालूंगी बनाते, आप मुझे भेज देना ठीक है। तो ये बनाती जा रही थी, ये देखो फिर बंद कर रही है, फिर खोल रही है, ये आईज का मेकअप हो गया हो रहा है सॉरी। ये मैंने कंसीलर लगाया जो सब कृष्ण का लगाया था, जो मुकुट पहनाने वाली वीडियो दिखाई थी पहले, वो पहले मतलब बीच में मैंने ऐड कर दी थी क्योंकि कृष्ण का पूरा गेटअप दिखाना था, इसलिए कि अभी जो राधा का मेकअप चल रहा है तो उसमें ऐसे घूम रहे हैं कृष्ण भी, उनकी हेयर स्टाइल पूरी कंप्लीट हो जाती है तब उसके बाद में ऊपर लगाया था। देखो इनको आईलाइनर लग रही है, आईलाइनर लगाने के बाद सॉरी आईलैश चिपकाई जा रही है। इनका हो गया आईज का मेकअप कंप्लीट, यहाँ ये देखिए पूरा हो गया फेस का, कैसी लग रही बताइए। ये मैंने बिंदी लगा दी, अब इसके बाद में इनकी होगी हेयर स्टाइल और बिंदी की लिक्विड बिंदी से भी इनका बनाया जाएगा। ये देखिए अब इनकी हो रही है राधा जी की हो रही है हेयर स्टाइल, ये दोनों का देखिए गेटअप कैसे लग रहे हैं बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये देखिए डांस चल रहा है,